रुझानों में बीजेपी महज 2 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चले, गंगोह सीट से कांग्रेस को बढ़त मिल गई है। ये अपडेट हम आपको दे दें, कांग्रेस के नुमान मसूद अब आगे चल रहे हैं, गंगोह सीट से कांग्रेस को बढ़त मिली है। कुल मिलाकर के देखें तो अभी तक बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि ये शुरुआती रुझान है। लखनऊ कैंट से बीजेपी के सुरेश तिवारी आगे चल रहे हैं, गंगोह सीट से कांग्रेस को बढ़त मिली है। धीरेन्द्र पुंडी जी, क्या लग रहा है, ये नतीजों में कन्वर्ट होंगे या फिर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जैसा कि मिश्रा जी कह रहे हैं? लगभग मतलब बहुत ज्यादा बीजेपी को कुछ, क्योंकि बीजेपी को ही डेंट लगने की उम्मीद ज्यादा इसलिए है क्योंकि नो उसके पास थी तो उसके पास खोने के लिए ज्यादा था, विपक्ष के पास पाने के लिए ज्यादा है। लेकिन इस तरह के ट्रेंड मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ चीजें तो सिखाएंगे बीजेपी को, और उसको सीखना चाहिए, नहीं तो जनता सिखाती है, फिर जो लोग नहीं सीखते उनको जनता सिखा देती है। तो ये विपक्ष का ट्रेंड जो दिख रहा है, ये मुझे लगता है अगर ये नतीजों में तब्दील होता है, क्योंकि अभी बहुत ही नुकसान हो गए, हालांकि बहुत तेजी से अब आजकल जो जब ईवीएम खुल रहे हैं तो बहुत तेजी से स्पीड से वो हो रहा होगा अगले 1-2 घंटे में, तो हो सकता है ये नतीजे उस तरफ बढ़ भी जाएं जिस तरफ ये दिख रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि मिश्रा जी और उनके लोगों को सोचना तो होगा कि क्या चल रहा है। मिश्रा जी, इससे भी सीखने की जरूरत होगी कि 2022 से पहले ये एक तरीके से आपको जगा दिया गया नींद से? नहीं, हम तो हमेशा सीखते हैं कुंदन जी, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हम हारते नहीं हैं। हम या जीतेंगे या हम सीखेंगे, तो सीखना तो हमारी प्रकृति में है, और भारतीय जनता पार्टी सीख के यहाँ तक पहुंची है। और जो हम लगातार हम दूसरे प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, ये हम सीख के चला रहे हैं। और देखिए, जनता ने अपना मत दिया है, और उपचुनाव हमेशा ही एक कोई सरकार का रेफरेंडम नहीं होता है, वो तो एक मजबूरी में कराया गया चुनाव होता है, क्योंकि वहाँ की सीटें खाली होती हैं एक चुनाव में, और जनता किसी सरकार को बदलने के लिए या कोई नई सरकार बनाने के लिए वोट नहीं कर रही है। साहब, इसे रेफरेंडम नहीं मानेंगे, 11 सीटों को नहीं मानेंगे तो क्या रेफरेंडम मानेंगे? थोड़ा वोट परसेंटेज कम तो होता ही है। नहीं नहीं, इसे आप रेफरेंडम नहीं मानेंगे तो क्या किसे मानेंगे आप? नहीं, रेफरेंडम नहीं है, आप देखेंगे 403 सीटों में 11 आपके 2% और 3% है, ये तो 2% 3% के चुनावों को आप रेफरेंडम नहीं, आप रेफरेंडम नहीं मान सकते। नहीं, आप कह रहे हैं कि चुनाव है, नतीजों से आप जीते सीखते हैं, लेकिन इस नतीजों को कबूल करने के साथ आपके अंदर जो नतीजा आत्मविश्वास है वो भी दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, जो नतीजा आएगा हम सीखेंगे, और हम सीखेंगे और उसको और बेहतर करने का प्रयास हमेशा ही करते रहे, और हम आगे भी करेंगे। हमें कोई ये नहीं है कि हमें कितनी सीटें मिल रही हैं, हमने चुनाव लड़ा है और जीतने के लिए चुनाव लड़ा है, जनता जो भी फैसला देगी हमें वो सर चुकार होगा, और हम सीखेंगे। हमने कहा कि हम जीतेंगे तब भी सीखेंगे और हम हारेंगे तब भी सीखेंगे। मिश्रा साहब, इन 11 सीटों पर तमाम तरह की कोशिशें की सरकार ने अपने स्तर पर, मंत्री लगातार प्रचार करते रहे, कहां पर गलती हो गई? मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ये नतीजे आ गए, यही नतीजे रहे जो रुझानों में दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर क्या आप कबूल कर पाएंगे कि गलती हुई है, लेकिन कहां पर गलती हुई है क्या बता पाएंगे? नहीं, एकदम बिल्कुल, हम उसका जो भी जनता फैसला देगी उसको बैठ के, हमारी पार्टी एक बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और कई स्तर की पार्टी है, तो हम बैठ के विचार करेंगे क्या रहा, क्यों रहा, जरूर विचार करेंगे। देखिए, जब लोकसभा चुनाव में हम गोरखपुर, फूलपुर और ये सीटें हमने वहाँ गंवाई थी, हालांकि जो वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था, जो हमारे वोटर्स थे वो बाहर निकल के नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ चूंकि उपचुनाव था और हम पूर्ण विश्वास में थे, हमें ज़्यादा आत्मविश्वास था, तो हमने उसको रिव्यू किया, हमने उन बातों को समझा, फिर उसके बाद चुनाव हुआ, तो वो चुनाव के जो नतीजे हैं वो हम सबके सामने आए, हमने वहाँ पर कितनी सीटें जीती, वही अभी यहाँ होगा। अगर जो भी नतीजे होते हैं हम बैठेंगे, बात करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे क्या रहा, जीतेंगे तब भी, और अगर हम कहीं नुकसान करते हैं, कहीं जनता का हमसे दुराव होता है, तो उस पर भी हम विचार करेंगे कि क्या कारण है, क्या वजह है, और उसको आगे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार चल रही है और हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं इस चीज़ों की कि जो भी सरकार के जो सरकार की योजनाएं हैं वो आखिरी इंसान तक पहुंचे, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, और हम लगातार उसमें बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नवाब अली से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन मुझे लेना एक छोटा सा ब्रेक। तमाम जो रुझान आप न्यूज स्टेट पर सबसे पहले देख पाएंगे, बीजेपी 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, रुझानों के हिसाब से समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस भी 1 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है, एक पर अन्य का कब्जा जमता हुआ दिखाई दे रहा है। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तमाम अपडेट आप उपचुनाव से जुड़ा हुआ देख सकते हैं न्यूज स्टेट पर सबसे पहले, बने रहिए हमारे साथ।